इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बता देते हैं कि एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो एसीबी की टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट जयपुर से है, बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता ट्रैप किया गया है। दरअसल आपको बताने की घूस ले रहा था, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते अभियंता को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बिलों के भुगतान, और आपको बता दें कि ये घूस मांगी गई थी, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि एसीबी की तरफ से लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर घूसखोर अधिकारी और कर्मचारियों पर, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद एसीबी टीम ने धर दबोचा है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है, बिलों के भुगतान और मेजरमेंट बुक कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते अभियंता की यहां पर गिरफ्तारी एसीबी टीम ने कर ली है। अब आपको बता दें कि एसीबी टीम लगातार इससे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में बड़े खुलासे भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो जयपुर में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता ट्रैप कर लिया गया, यानी कि गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। दरअसल 1 लाख रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की थी और एसीबी टीम ने इसको रंगे हाथ दबोच लिया है। बिलों के भुगतान और मेजरमेंट बुक कराने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। इस खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता मोहम्मद रजाउल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, जिस तरीके से अभियंता की यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के बिल्कुल कमिश्नरेट से सटा हुआ एक ऑफिस है, जिसको बीएसएनएल ऑफिस कहा जाता है। वहां पर एक बड़ी कार्रवाई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने अंजाम दिया, जिसके अंदर जो बीएसएनएल के सब डिवीजन इंजीनियर है मनीष चांदा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा 1 लाख रुपए की जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि जो पूरी कार्रवाई हुई है वो एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हैं, जिनको हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसके अलावा जो एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक हैं, उनके सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु के निर्देश में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और उप अधीक्षक जो सुदेश कुमार है, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के तहत ये बात अब तक सामने आई है कि परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि और उसके अलावा जो मेजरमेंट बुक है उसको एवज के अंदर जो 1 लाख रुपए की डिमांड है राशि की, वो की जा रही थी। 1,27,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी, लेकिन 1 लाख रुपए की जो राशि के रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कई खुलासे होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर करतोड़ ली गई है, लेकिन ऐसे में लगातार ही शिकायतें मिल रही है, जहाँ पर घूसखोरी की जो शिकायतें है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसको लेकर अभी क्या कुछ और अहम कदम उठाने जा रही है एसीबी की टीम? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एसीबी लगातार रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों और दलालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बाद जो एसीबी का जो एक नारा है कि भ्रष्टाचार राजस्थान से खत्म करना, वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ एसीबी कार्रवाई कर रही है, वही आज जिस तरह से आज एक तो राजधानी जयपुर और बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं वो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप होना, उसके अलावा अजमेर के अंदर जिस तरह से जो संभागीय आयुक्त हैं उनका रीडर जो है तकरीबन 95,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एसीबी की कार्रवाई तो जारी है, लेकिन रिश्वतखोरों का जो बोलबाला है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। इन कार्रवाई में ज्यादातर इजाफा करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से जो एसीबी के अधिकारी हैं वो लगातार जो है लोगों से ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि किसी जायज काम के लिए पैसे मत दीजिए, अगर कोई भी पैसे मांगता है तो उनके खिलाफ शिकायत एसीबी में कीजिए। तो उसके बाद ये किया जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ा जो एक्शन है वो एसीबी लगातार लेती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजाउल्ला तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता गिरफ्तार किया गया।